नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। बाढ़ की विभीषिका से यूं तो पूरा देश जूझ रहा है, लेकिन गाजीपुर के सदर तहसील क्षेत्र के कुर्था गांव में गंगा में आई बाढ़ की विनाश लीला साफ देखी जा सकती है। बीते 7 सितंबर तक गांव की आस्था का केंद्र रहा पुराना भव्य मंदिर 8 तारीख को गंगा में समाहित हो चुका है। मंदिर के ठीक बगल में पूर्व प्रधान नंदा सिंह के खेतों में लगा केंद्रीय जल मार्ग का लेपल टावर, जो कोलकाता से बनारस व इलाहाबाद पानी के जहाज चलते हैं उसका संकेतक टावर था, वो भी आज गंगा में समाहित हो चुका है। गांव के पूर्व प्रधान नंदा सिंह की माने तो पुराने मंदिर को 2 साल पहले 10 लाख रुपये चंदा बटोर कर बनवाया गया था, जो किनारे से 106 लट्ठा यानी 400 मीटर से ज़्यादा दूर था। आज खेतों की कटान में वो भी गंगा में समा गया। बाढ़ की विभीषिका से सैकड़ों बीघे जमीन इन 7-8 सालों में खत्म हो चुकी है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया। आपको बता दें कि कुर्था वो ऐतिहासिक गांव है जहां स्वामी विवेकानंद जी पौहारी बाबा से मिलने आए थे। अंतर्जलीय जल मार्ग का टावर था, केंद्र का टावर था, जहाज का लेपन टावर कहते हैं, हमारे खेत में लगा था। जो जहाज जाती है उसी का वो कहते हैं, जो जहाज जाती है उसका निशान बना हुआ था, इस रूट से जहाज जाएगी। और ये टावर लगा था 2009 में। आज कटान की भेंट चढ़ गया है, बगल में कुटिया भी थी, कितनी पुरानी कुटिया थी और अब तक कितनी जमीनें गंगा में समाहित हो चुकी हैं। कुटिया जिसे गांव के महात्मा लोग रहते थे, वो तो कुटिया करीब 20 साल पुरानी थी। अभी नया उसको 10 लाख रुपया चंदा बटोर गांव के लोग लगा बनवाए थे नया कुटिया, वो भी चली गई उसी में। अब तक जमीन 106 लट्ठा लंबा जमीन गई है वो। ऐसे में क्या इस कटान से सरकार की तरफ से कोई सुविधा मुहैया या कोई रोकथाम के लिए अब तक कोई पहल हुई है? सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है ना, कोई मुआवजा मिला है ना, कोई रोकथाम। वहीं जिले के प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं कि बाढ़ में गंगा खतरे के निशान के नीचे बह रही है और क्षेत्र में अधिकारियों को राहत कार्यों में लगाया गया है। ऐसे में जनपद गाजीपुर में सैदपुर, सदर, जमानिया और मोहम्मदाबाद तहसील के सैकड़ों गांव कटान, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, के शिकार हो रहे हैं और राहत के नाम पर क्या हुआ ये कोई कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। वहीं गंगा है कि अपनी विनाश लीला जारी रखी है, जिससे तटवर्ती किसान सहमे हुए हैं। नहीं, आज 8 बजे तक सुबह तक गंगा का जो जल स्तर है 62.34 मीटर है और हमारे यहाँ डेंजर लेवल है 63.130 मीटर। पिछले 24 घंटे में गंगा जी का जो लेवल है 24 सेंटीमीटर कम हुआ है। अभी कोई बस्ती प्रभावित नहीं हुई है, खेतों में पानी जरूर पहुँचा है लेकिन कोई बस्ती प्रभावित नहीं हुई है। सभी SDM को इसमें अलर्ट कर दिया गया है, बाढ़ चौकी और बाढ़ सचिवालय की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है और SDM और संबंधित जो नीचे वाला स्टाफ है क्षेत्र में मदद कर रहा है। MMC न्यूज़ के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।